सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, रहेंगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें यार हम लोग बात करने वाले ग्रैंड ऑफ फ्रेंड्स से रिलेटेड काफी सारी नई अपडेट्स के। जैसे कि आप लोग की एमिटेड 87 गन स्क्रीन के लिए यहां पे बहुत बड़ा ग्लिच निकल कर आ चुका है, तो उसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही में आज हम लोग बात करेंगे आप लोग के ईद स्टोर इवेंट के, जिसमें आप लोग को काफी सारे डायमंड्स बिल्कुल फ्री में क्लेम करने को मिलेंगे। इसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे आप लोग के नेक्स्ट मोको स्टोर और काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो भाई आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट मिस करने वाले हो। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, क्योंकि जब भी आप लोग के लिए कोई भी ऐसा न्यू ग्लिच निकल कर आता है तो मैं सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता हूं, और फ्री फायर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी अपडेट की वीडियो भी हमारे चैनल पर आती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर से कर लेना। सो गाइस अगर आप लोग अब तक हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग बात करें आप लोग की बांग्लादेश सर्वर पर जो एमिटेड 87 की गन स्किन का मैंने इवेंट बताया था वो यहाँ पे आ चुका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइस इस इवेंट के बाद मेरे को काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि हमारे इंडिया सर्वर पे आप लोग को एमिटेड 87 का इवेंट देखने को मिलेगा। तो वैसे हमारे इंडिया सर्वर के लिए भी एमिटेड 87 का इवेंट निकल कर आ चुका है, लेकिन गाइस मैं आप लोग को ये इवेंट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई हमारे बांग्लादेश सर्वर पर इसकी डेट 8 तारीख निकल कर आई थी, लेकिन गाइस डेट से पहले आप लोग को ये इवेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि 4 तारीख को ग्रैंड वाला ने हमारे बांग्लादेश सर्वर पर इस इवेंट को दे दिया। और गाइस मैं आप लोग को कमाल की बात बताऊं, इसमें जो आप लोग को कुछ शॉर्ट रन की स्किन देखने को मिल रही है, इनमें से कुछ शॉर्ट रन की स्किन आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर पर भी देखने को मिलेंगे। उस इवेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन गाइस हम लोग बात करें आप लोग के नेक्स्ट मोको स्टोर के बारे में। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक सर्वर पर कुछ इस तरीके का मोको स्टोर इवेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें गाइस आप लोग हमारे एक ऑफिस ऑफ फीमेल का बंडल देखने को मिल जाता है। और गाइस इस फीमेल के बंडल का एनिमेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिया गया, लेकिन गाइस यहाँ पे जो आप लोग को मेड साइड नीचे का बंडल देखने को मिल रहा है वो तो ऑलरेडी हमारे इंडिया सर्वर हेड लेवल में आ चुका है, तो गाइस ये बंडल तो आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे जो आप लोग को फीमेल का बंडल देखने को मिल रहा है OB34 का, वो आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर नेक्स्ट मोको स्टोर में नजर आ सकता है। और हो सकता है कि गाइस इसी के साथ में आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर पर कुछ और बंडल्स भी देखने को मिल जाए। आप में से काफी ज्यादा बंदों के कमेंट्स आ रहते रहते हैं कि मन्नू भाई हमारा नेक्स्ट मोको स्टोर कौन सा होने वाला है, तो मैं आप लोग को बता दूं अभी तक आप लोग के इंडियन सर्कल के लिए कोई भी कंफर्म अपडेट निकल कर नहीं आ रही है कि भाई आप लोग को यही मोको स्टोर इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जिसके चांसेस यहाँ पे निकल कर आ रहे थे वो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। बाकी जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स उनको तो पता ही होगा, जो भी मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ 100% आप लोग को देखने को मिल जाती है, लेकिन जब तक कोई इवेंट कंफर्म ही नहीं होगा तो मैं आप लोग को ऐसे कैसे बता दूं कि भाई आप लोग ये मोको स्टोर इवेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कभी बोलोगे कोबरा एमपी होटे कब आएगी, कभी बोलोगे भाई हमारा रोज वाला इमोट कब आएगा, कभी कुछ बोलोगे कभी कुछ बोलोगे, इससे अच्छा है कि भाई आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं आप लोगों को सारी अपडेट आते ही बता देता हूँ, जो भी मेरे को लीक मिलती है या 100% कंफर्म होती है जरूर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। और कैसे आप लोग खुद ही सोचो भाई मेरे पास कोई कंफर्म अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा, भाई मेरा तो काम ही आप लोगों को बताना और आप लोगों से भला क्यों छुपाऊंगा। इसके बाद अगर आप लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के, जो कि आप लोग के मिस्टी मैडनेस इवेंट के लिए निकल कर आ रही है। तो भाई आप में से एक बंदा काफी दिनों से कमेंट कर रहा था, मन्नू भाई मेरे मिस्टी मैडनेस इवेंट में बंडल ही नहीं मिला, मतलब यार काफी ज्यादा बंदों के कमेंट्स ही आ रहे थे मेरे पास, ये भी हो सकता है आप में से बहुत कम बंदों के साथ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि यार मुझे भी समझ में नहीं आता जब बंदे ने पहली बार कमेंट किया था, लेकिन कल ही मैंने नोटिस पढ़ा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्रैंड ऑफ की तरफ से यहाँ पे नोटिस निकल कर आ चुका है, यार जो भी बंदे मिस्टी मैडनेस इवेंट से रिवार्ड्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे थे वो रिडीम नहीं हो पा रहे थे, तो यार ये एक टेक्निकल इशू है जो कि जल्द से जल्द ग्रैंड वालों की तरफ से सॉल्व कर दिया जाएगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पता नहीं जिस बंदे ने कमेंट किया था वो वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा आज, लेकिन यार मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ रेगुलर वीडियो देखा करो, मैं आप लोग को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर से बताता हूँ कोई ना कोई वीडियो, आप लोग रेगुलर वीडियो देखने आया करो ताकि भाई आप लोग को हमेशा पता रहे कि क्या चल रहा है हमारे गेम में और कौन सा इवेंट आने वाला है। कोई नहीं, जिन भी बंदों के मिस्टी मैडनेस इवेंट में प्रॉब्लम आ रही थी वो जल्दी फिक्स कर दी जाएगी ग्रैंड वालों की तरफ से, यहाँ पे नोटिस भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। इसके बाद से बात करें आप लोग के अपकमिंग टॉप अप इवेंट के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं अभी तक आप लोग के नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के लिए कोई भी कंफर्म अपडेट निकल कर नहीं आ रही, लेकिन जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक सर पर नया टॉप अप इवेंट आ चुका है, जिसमें भाई आप लोग को केला देखने को मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे एक फेस पेंट को दिया गया, मतलब कि भाई अगर आप लोग एक डायमंड का टॉप अप करो तो यहाँ से आप लोग फेस पेंट को क्लेम कर सकते हो, एंड अगर आप लोग 300 डायमंड का टॉप करते हो तो भाई आप लोग केले को क्लेम कर सकते हो, मतलब यार ग्रैंड वाले पर गेम में क्या क्या चीजें लेकर आने लगे हैं। पेट के नाम पे तो भाई आप लोग का कोई भी पेट छोड़ा नहीं है ग्रैंड वालों ने, मतलब कोई ना कोई पेट तो हर बार ओबी अपडेट में लेकर आना ही आना है, इस बार आप लोग का उल्लू लेकर आए थे, बट जो सब्जी फल वगैरह बच रहे थे अब आप लोगों को वो भी गेम में देखने को मिले लगे हैं, तो क्या ही बताऊं। और पता नहीं ग्रैंड वालों ने क्या सोचा जो इसे 300 डायमंड टॉप अप दे रहे हैं, भाई फ्री में भी ना लूं मैं तो इसको, बट जिसको कलेक्शन का शौक होगा वो तो भाई 300 डायमंड में भी नहीं छोड़ेगा, तो आप लोग को हो सकता है कुछ इस तरीके का टॉप अप हमारे इंडियन सर्वर देखने को मिल जाए आने वाले कुछ दिनों में। इसके बाद बात करेंगे आप लोग की एमिटेड 87 के ग्लिच इवेंट के बारे में, जो कि भाई यहाँ पे पूरी तरीके से निकल कर आ चुके हैं, और मैं आप लोग को बताऊंगा हमारे ईद स्टोर इवेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह फ्री फायर से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट की वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब गाइस बात करें आप लोग के ईद स्टोर इवेंट के बारे में, तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारे एक सर्वर पर ईद स्टोर इवेंट देखने को मिला, वैसे हमारे इंडिया सर्वर पर तो भाई ईद इवेंट के आने की कोई भी खबर नहीं है, लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो काफी सारे डायमंड्स आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल फ्री में क्लेम करने को मिल जाते हैं, मतलब यार यहाँ पे आप लोग काफी सारे मिशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे जिनको कंप्लीट करके आप लोग ये सारे डायमंड बिल्कुल फ्री में क्लेम कर सकते हो। लेकिन गाइस ये कमाल की बात बताऊं क्या है, आप लोग
क्लेम भी कर लोगे तो भी आप लोग की आईडी में डायमंड्स नहीं आएंगे। अब तुम बोलोगे मन्नू भाई क्या बात कर रहे हो, अगर हम लोग क्लेम करेंगे तो डायमंड आईडी में क्यों नहीं आएंगे? तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, ये जो डायमंड है सिर्फ और सिर्फ इसी इवेंट में रहने वाले हैं। मतलब क्या यहाँ पे आप लोग को स्टोर में काफी सारे रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे, जैसे यार काफी सारे व्हीकल किसके देखने को मिल जाएंगे, बैकपैक किसके देखने को मिल जाएगी, कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, इमोट देखने को मिल जाएंगे और भी काफी सारे रिवॉर्ड्स आप लोग यहाँ पे स्टोर सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। देखो स्टोर मतलब दुकान, यानी कि भाई यहाँ पे हर चीज की रेट फिक्स है, इतने डायमंड में आप लोग ये चीजें दी जाएंगी। आप जितने डायमंड आप लोग यहाँ पे इकट्ठे कर लोगे, मतलब कि क्लेम करके आप लोग के पास काफी सारे डायमंड हो जाएंगे, जितने डायमंड आप लोग यहाँ पे इकट्ठे कर लोगे उतने ही डायमंड आप लोग के स्टोर सेक्शन में जो भी रिवार्ड देखने को मिल रहे हैं उन पे ऑफ हो जाएंगे। मतलब कि मान लो आप लोगों ने 500 डायमंड इकट्ठे कर लिए तो 500 डायमंड की कोई चीज स्टोर से मिल रही तो भाई आप लोग को बिल्कुल फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगी। तो वैसे तो इस इवेंट को डायमंड शॉप इवेंट बोलते हैं, काफी सारे सर्वर पर पहले भी देखने को मिला है, हमारे इंडिया सर्वर पर पता नहीं ग्रीन वाले क्यों नहीं लेकर आते हैं, लेकिन क्या पता गाइस आप लोग कुछ इस तरीके का इवेंट हमारे ईद इवेंट के टाइम देखने को मिल जाए अगर हमारे इंडिया सर्वर पर ईद इवेंट आता है तो। बाकी देखो ग्रीन वालों के हमारे इंडिया सर्वर से तो हमेशा से दुश्मनी रही है, अब आप लोग को इंडिया सर्वर पर पता नहीं कौन सा इवेंट देंगे जो भाई कुछ भी इवेंट नहीं ला रहे हमारे इंडिया सर्वर, ना तो ईवीडी इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ना ही भाई आप लोग का बैटल इन स्टाइल इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ना ही भाई आप लोग का अनीता इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो कुछ ना कुछ तो हमें सरप्राइज देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस बात करें आप लोग के M87 के न्यू इवेंट ग्लिच के बारे में, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, तो गाइस देखो ये ग्लिच है भी और नहीं भी, मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे क्या है, मतलब मैं आप लोग को सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आप लोग यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग लिए इवेंट निकल कर आ रहा है, इसमें आप लोग को टोटल 6 गन स्किन देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई आप लोग की शॉर्ट गन की स्किन होगी। और यार ये इवेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब यार हमारे बांग्लादेश सर्वर पर तो एक इवेंट आया जिसमें भाई चारों गन स्किन निकालनी पड़ेगी, आप लोग अपनी मनमर्जी गन स्किन सेलेक्ट नहीं कर सकते। पर ये जो इवेंट है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब कि यार आप लोग को जो इच्छा हो ना वो गन स्किन आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा इवेंट आता है। लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता दूं, अब हो सकता है कि ये इवेंट आप लोग हमारे इंडिया सर्वर पर नजर ही नहीं आए, वैसे तो एक दो दिन में आप लोग ये देखने को मिलने वाला था, बट क्या है ना काफी सारे यूट्यूबर ने ऐसे इस इवेंट को फैला दिया ग्लिच का नाम देके, और काफी सारे बंदे इस इवेंट में जाकर स्पिन भी कर रहे हैं। अब आप लोग भी स्पिन करना चाहोगे, मुझे पता है भाई आप लोग स्पिन करने से रुक ही नहीं सकते, एक दो स्पिन में क्या पता आप लोग को मिल जाए, वैसे मिल तो नहीं रही है बट क्या पता आप लोग को मिल जाए लाख राजमा ले। वैसे देखो यूट्यूबर्स लोगों को भी समझना चाहिए इस इवेंट को, ऐसे सब लोगों को बताना नहीं चाहिए था भाई ऐसे ऐसे कर लो और ये स्पिन कर लो वो कर लो, क्योंकि देखो इसमें हमारा ही नुकसान होता है। मतलब यार ये इवेंट हमारे इंडिया सर्वर आता था, काफी सारे बंदे अच्छे से शॉर्ट गन वगैरह निकाल भी लेते जिनको चाहिए होती, लेकिन अब ये इवेंट ब्लॉक हो सकता है क्योंकि ग्रेन वालों को जैसे पता लगेगा भाई बंदे ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं तो वो वापस से शॉर्ट गन की स्किन तो ले लेंगे, आप लोग को पता है सकता है। और ये जो इवेंट हमारे इंडिया सर्वर आने वाला था ये भी रुक जाएगा, मतलब ग्रेन वाले इसे अभी स्टॉप कर देंगे, क्या पता फिर आप लोगों को कब देखने को मिले। मुझे पता है भाई तुम लोग ये बोलोगे बातें तो बहुत होगी, मनु भाई आप तुम ये बता दो इस इवेंट में हम लोग को स्पिन कैसे करना है। देखो सब यूट्यूबर्स ने इस इवेंट को प्री एक्सेस करने के लिंक दे दिया, तो भाई मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी आप लोग को बताऊंगा। तो गाइस देखो इस इवेंट को ओपन करने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सेकंड चैनल के लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां पे वीडियो डाल रखी है किस तरीके से इवेंट ओपन होगा, किस तरीके से आप लोग को स्पिन करना है, तो जल्दी से जाओ सेकंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड आप लोग वीडियो भी देख लेना किस तरीके से ओपन होने वाला है, वहां पे मैंने सारी चीज अच्छे से समझा रखी है। अगर आप लोग चाहो तो एक दो स्पिन करके देख सकते हो इस इवेंट के अंदर, क्या पता भाई आप लोग का लक काम कर जाए, कोई शॉर्ट गन किसके निकल जाए और ग्रेन वाला वापस लेगा तो ले लेगा, भाई क्या कर सकते हैं, ग्लिच है भाई, ग्रेन वालों को सोचना चाहिए ऐसे ग्लिच देने से पहले। तो बस आज आप लोग को यही बताना था, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।